तो आप सभी के लिए एक लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट न्यूज़ है कि इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप की न्यू वैकेंसीज़ है वो आपकी आ चुकी हैं। तो जैसा कि आप इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट पर विजिट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इंडियन एयरफोर्स की नई वैकेंसीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड कर दी गई है और जल्दी उसका नोटिफिकेशन है आपको प्रोवाइडेड कर दिया जाएगा। अब कई कैंडिडेट्स की क्यूरी आई है, जैसे ही नोटिफिकेशन आया है तो व्हाट्सएप ग्रुप में कई कैंडिडेट्स की, बॉयज़ की, गर्ल्स की कई क्यूरी है कि सर DOB क्या रहेगा। तो आपको फिक्स्ड DOB इस वीडियो में बता दिया जाएगा। और अब की बार से अच्छी बात यह है कि गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती है। कौन कौन अप्लाई कर सकती है, क्या साइंस वाली भी अप्लाई कर सकती है, आर्ट वाली भी कर सकती है, बायोलॉजी वाली भी कर सकती है, कॉमर्स वाली भी कर सकती है, कौन कैंडिडेट्स यहाँ पर कर सकते हैं नहीं कर सकते, सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। इसके साथ ही आपके पास वैकेंसी, टोटल वैकेंसीज़ कितनी है, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। बॉयज़ की कितना इफेक्ट पड़ेगा, यदि गर्ल्स की यहाँ पर वैकेंसीज़ आ गई है तो इसका, या फिर टोटल वैकेंसीज़ गर्ल्स की यहाँ पर कितनी है, बॉयज़ की सेपरेट कितनी है, उन सभी के बारे में डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं DOB के बारे में बात करूँ तो सभी कैंडिडेट्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि DOB आपकी बार जो यहाँ पर रहने वाली है वो 31/6/2002 से लेकर 31/11/2005 तक यहाँ पर रहने वाली है। सभी कैंडिडेट्स यदि इस कैटेगरी के अंदर है तो उनको निश्चित रूप से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जनवरी के अंदर आपका एग्ज़ाम है इंडियन एयरफोर्स, मिड जनवरी के अंदर लगभग आपका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट यहाँ पर कराने वाला है। तो एक बार इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल साइट पर चलते हैं, फिर प्रीवियस ईयर के नोटिफिकेशन पर चलते हैं, सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। देखिए, जैसे ही आप इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल साइट पर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इंडियन एयरफोर्स कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर *01202/34 अग्निवीर इंटेक 01/202/34 विल ओपन इन फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2022 फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट एंड ऑनलाइन एग्जाम विल बी कंडक्ट इन मिड जनवरी 2022/34 अपडेट यू में फॉलो, और जो ऑफिशियल साइट है इसको आपको फॉलो करते रहना है। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कशन करूँ तो इसमें चेंजेस अब क्या किया है कि आपका फर्स्ट वीक में इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं दीपावली के तुरंत बाद आपको ये खुशखबरी दीपावली से पहले ही मिल चुकी है, तो आपको अब कंटिन्यू तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है अब की बार ज़्यादातर कैंडिडेट्स को 90% कैंडिडेट्स सब्जेक्ट में यहाँ पर फेल हो चुके थे, और लेकिन अच्छा स्कोर होने के कारण, प्रैक्टिस नहीं होने के कारण वो कैंडिडेट बाहर थे। अब की बार आपको 2-3 कंटिन्यू महीना अच्छे से अच्छी मॉक टेस्ट देने, अच्छे से अच्छी क्वालिटी की जो कंपनी है उसके मॉक टेस्ट देने, और आराम से आपका सिलेक्शन यहाँ पर लेना है। दूसरी कंडीशन में बात करूँ तो आपको ध्यान रखना है कि आपका एग्जाम है वो जनवरी में आपका कंडक्ट कराया जाएगा, मिड जनवरी में। सबसे अच्छी बात यह है, पहले जो आपका एग्जाम है लगभग आपका मार्च अप्रैल के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट कराता था, लेकिन अब अग्निवीर के तहत यहाँ पर आपका स्पेशली स्पीड में सारा प्रोसीजर देखने को आपको मिल रहा है। दूसरी कंडीशन में मेल के साथ फीमेल भी यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात यह है कि मेल के साथ फीमेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर रहे हैं। तो अब मेल कैंडिडेट्स की कुछ क्यूरीज है उनको यहाँ पर हम सोल्व करते हैं। कुछ अच्छी तरीके से आपको समझाने के लिए मैंने इंडियन एयरफोर्स का जो पिछली बार अग्निवीर का नोटिफिकेशन आया था उसको ओपन कर लिया है। जब मैं यहाँ पर आपसे डिस्कशन करूँ तो आपको ध्यान रखना है कि कई गर्ल्स की क्यूरी है ज़्यादातर की, क्योंकि जब SSR का ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुआ है तो हुआ था तो उसमें 12th पास मांगा गया था, लेकिन साइंस सब्जेक्ट और जिसके पास मैथ और फिजिक्स हो वही कैंडिडेट्स फिल कर सकता था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, गर्ल्स ची आर्ट वाले यहाँ पर कैंडिडेट हो, ची कॉमर्स वाले कैंडिडेट हो, ची आपके बायोलॉजी वाली गर्ल्स हो, सभी के सभी यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम है वो दे सकती है, उसमें अप्लाई कर सकती है। देखिए, जैसा कि मैं आपसे शॉर्ट वे में डिस्कशन करूं, यदि सिंपल सी बात है, नई कैंडिडेट्स हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे अपडेट आपको मिलेंगे। इसके साथ ही एयरफोर्स वाई ग्रुप की मैथ की क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, अब डेली आपका प्रैक्टिस यहां पर होगी, जिसमें आपको टॉप क्वेश्चंस है वो आपको कराए जाएंगे आपके एग्जाम के अनुसार। सबसे पहले डिस्कशन करिए साइंस सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट में आपको ध्यान रखना है, मैं स्पेशली बॉयज़ को सभी को पता है लेकिन गर्ल्स के वो बता देता हूँ, साइंस सब्जेक्ट में वो ही गर्ल्स अप्लाई कर सकती है जिसका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि PCM जिसके पास है वो ही गर्ल्स यहाँ पर अप्लाई कर सकती है एक्स ग्रुप के लिए। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट में एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकती है, और अदर देन साइंस सब्जेक्ट यहाँ पर वाई ग्रुप की जिसको बोला जाता है, इसके अंतर्गत आप
यहाँ पर आर्ट वाली गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही कॉमर्स वाली, बायो वाली जो भी गर्ल्स है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकती है। इसके साथ ही ध्यान रखना है मिनिमम आपकी 12th में पासिंग मार्क, 12th पास यहाँ पर रखी गई है क्वालिफिकेशन दोनों में, और 12th में आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम 50% यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। और इसके साथ ही गर्ल्स कैंडिडेट थोड़ा ध्यान रखेंगे, इनको नहीं पता होता कि इंग्लिश में आपके 50 मार्क्स यहाँ पर 100 में से होने चाहिए, यानी कि 50% मार्क्स आपके अनिवार्य है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। DOB मैंने बता दी सेम रहेगी गर्ल्स की बॉयज़ की, यदि कोई चेंजमेंट आता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दोबारा से अग्निवीर का में, तो आपको वो भी सब कुछ बता दिया जाएगा। इसके साथ ही टोटल वैकेंसीज़ के बारे में बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि लगभग अप्रोक्स 3000 वैकेंसीज़ इंडियन एयरफोर्स की यहाँ पर आती है XY ग्रुप की। अब यहाँ पर आपको आपकी बार पता है कि गर्ल्स की कुछ वैकेंसीज़ हैं उसका वेटेज यहाँ पर रहेगा, तो इस कारण से आपके एक्स ग्रुप में और वाई ग्रुप में बॉयज़ की जो कुछ वैकेंसीज़ है वो यहाँ पर डाउन जा सकती है। और टोटल जैसा कि इंडियन नेवी ने नोटिफिकेशन में कहा था कि टोटल इतनी गर्ल्स है उसकी पोस्ट है, इसके साथ ही बॉयज़ की पोस्ट टोटल बात करें तो बॉयज़ की पोस्ट टोटल इतनी है, तो अब की बार इंडियन एयरफोर्स भी ऐसे बताकर आपको बता देगा कि एक्स ग्रुप में आपकी XY ग्रुप की टोटल बॉयज़ की कटो वैकेंसीज़ है इतनी है, और XY ग्रुप की आपकी जो टोटल वैकेंसीज़ है गर्ल्स की इतनी है। इसके साथ ही कट ऑफ क्या रहेगी और किस तरह आपको आधार मानकर तैयारी करनी है, किस तरीके से आपके पास कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि लगभग पिछली बार अप्रोक्स 7-7.5 लाख पिछली बार फॉर्म थे, आपके पास मिनिमम माने तो 3-4 लाख गर्ल्स भी फॉर्म अप्लाई करेगी, क्योंकि सभी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं, सॉरी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होगा, तो लगभग 10 लाख प्लस यहाँ पर कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे, तो कंपटीशन ज़बरदस्त रहने वाला है। और पिछली बार के जो 90% कैंडिडेट्स ऐसे रहे थे जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी और सीधा एग्जाम में बैठ गए थे, कोई एक सब्जेक्ट टफ आ गया था, तो ऐसी मॉक टेस्ट सीरीज़ आपको करनी है जहाँ पर ऐसी क्वालिटी प्रोवाइडेड हो इंडियन एयरफोर्स की तरह, तो आपको बता दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, कोई भी डाउट हो सिलेबस के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो आपको अपडेट कर दी जाएगी, सब कुछ आपको बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।